हाय लिसनर्स, आपका स्वागत है रेडियो द्वारका में। आज हम आए हैं रिहायशी अपार्टमेंट सेक्टर 12 में और ये डीडीए का पॉकेट है और यहाँ पर आज रेजिडेंट्स परमार्थी के साथ मिलकर जो यहाँ की दीवारें हैं उसको पेंट कर रहे हैं। इससे पहले यहाँ पर इन लोगों ने सफाई भी की थी। आइए बात करते हैं आरडब्ल्यू के प्रेसिडेंट बाबूराम जी से। बाबूराम जी, आपका स्वागत है रेडियो द्वारका में। नमस्कार जी, मेरा नाम बाबूराम पामड़ा है, मैं प्रेसिडेंट हूँ रिहायशी वेलफेयर एसोसिएशन डीडीए पॉकेट का। जी जी, हमने परमार्थी की एनजीओ से एक बार रिक्वेस्ट करी थी, उन्होंने आकर के हमारे साथ बहुत ही अच्छा कोऑपरेट करे है और जो जितने भी हमारे आगे फुटपाथ है बिल्कुल क्लियर कर दिया है। ऐसा लग रहा है कि जैसे जहां हम किसी शहर में बस रहे हैं। इससे पहले इतना जहां पर गर्दा था, इतने पेड़ थे, इतने पौधे थे कि हमें रात दिन में ही जाने में डर लगता था, मगर अब इतनी सफाई कर दी है बहुत ज्यादा। और आज इन्होंने हमें एक प्रोग्राम दिया है कि हम जो आपकी दीवार है उसमें पेंट करे है तो हम पेंटिंग करेंगे, तो हमारे पॉकेट के बच्चे बहुत ज्यादा आगे हैं और जो पेंटिंग कर रहे हैं जी। अब हमारे साथ वेद प्रकाश जी हैं, वेद प्रकाश जी भी इसी पॉकेट में रहते हैं, फॉर्मर प्रेसिडेंट है वेद प्रकाश जी। वेद प्रकाश जी, ये बताएं कि जब सफाई आप लोगों ने शुरू की थी यहाँ पर परमार्थी के साथ, तब किस तरह की स्थिति? पहले बहुत ही गंदा था यहाँ, जो है झाड़ झंकड़ बहुत ज्यादा, जो है छोटे मोटे पौधे वोधे इतना था, यहाँ से निकलना जो है दुभर हो रहा था, सांप वांप मतलब कीड़े जो है इस तरह के थे कि हर कोई जो है डरता था। अभी इतनी सफाई कर दी है कि मतलब देखते ही बनता है, लंदन से कम नहीं है और बहुत बढ़िया जो है, बहुत अच्छा जो है इनका। अच्छा, क्योंकि आप दोनों लोग खड़े हैं साथ में, आप अभी प्रेसिडेंट हैं, वेद प्रकाश जी पहले प्रेसिडेंट थे, अब जैसे यहाँ सफाई हो गई है, सब कुछ वॉल पेंटिंग हो गई है, अब आपको क्या लगता है आगे आने वाले समय में आप लोग भी इसी तरह से मेंटेन रखेंगे? नहीं, बिल्कुल जो है कोशिश करेंगे कि जो है वेल मेंटेन रहे फॉरएवर। हाँ बिल्कुल, कोशिश यही हमारी जी के एज इट इज मेंटेन रहे जी सफाई हमारी, और जिससे जो हमारी औरतें बच्चे जो है ना दिन रात आकर के खेल सकेंगे। लिसनर्स, अभी मेरे साथ वीना जी हैं, वीना जी ज्वाइंट सेक्रेटरी हैं इस पॉकेट की। वीना जी, आपका स्वागत है रेडियो। थैंक यू। वीना जी, आप यहाँ कितने साल से रह रही हैं? मैं 14 साल से रह रही हूँ। 14 साल से आप यहाँ रह रही हैं, काफी समय से रह रही हैं, यहाँ कैसी स्थिति थी? यहाँ पे बाहर की हालत काफी हालत खराब थी, क्योंकि कई बार यहाँ पे वारदात भी हो जाती थी क्योंकि झाड़ियाँ बहुत ज्यादा थी। तो जब से ये हमारे परमार्थी वालों ने किया है, काफी अच्छा साफ सफाई कर दिया और सुंदर भी, देख के भी सुंदर लगता है बाहर से कि बड़ा सुंदर हो गया है। लोग बाग भी बड़े लोग, अंदर की सोसाइटी के लोग भी बड़े खुश है कि आज से पहले ये काम, कभी जितने 14 साल से हम लोग रह रहे हैं, आज से पहले ये काम किसी ने भी नहीं किया था, अब बहुत अच्छा हो गया। तो अब हम लोगों को भी लोग करते कि आपने बहुत अच्छा काम करवाया है, हम लोग धन्यवाद करते हैं ये परमार्थी वालों ने जो उन्होंने हमारी हेल्प करी। और ये पूरा यहाँ से झाड़ियाँ या कुछ जंगल सा जो बाहर हो रखा था, इसमें लोग बाहर जैसे इवनिंग टाइम में लोग जैसे बाहर के आउटसाइडर जो होते हैं ड्रिंक करके जैसे बैठते थे, वारदातें हो जाती थी, यहाँ निकलना सेफ नहीं रहता, लगता था हम डर की झाड़ियाँ से कोई भी कुछ भी हो सकता है, सांप वगैरह सब कुछ घूमते थे। तो अब ये है कि हम सेफ निकल सकते, दिखता है लाइटिंग भी अच्छी हो गई है, बाहर बिल्कुल अंधेरा सा लगता था। अच्छा वीना जी, महिला होने के नाते सुरक्षा की दृष्टि से पहले और अब में क्या फर्क आ गया? ये फर्क अब ये आया है कि पहले थोड़ा जाते हुए डर लगता था क्योंकि झाड़ियां बहुत दोनों साइड से झाड़ियां थी, निकल लगता था कि कोई झाड़ियों के पीछे छुप के बैठा हो तो हम लोग कैसे अपना सेव करेंगे, क्योंकि काफी लंबा रास्ता है, कहीं पे कहीं कट नहीं है कि कोई कहीं भाग सके, या कोई लाइटिंग भी झाड़ियों का लाइटिंग नीचे नहीं आती थी, लाइट भी ऊपर को रहती है, झाड़ियां हट गई है तो लाइटिंग अच्छी हो गई है। हम लोग सेफली हम लोग लगता है कि यहाँ से अगर हम लोग जा भी रहे तो कोई हमें पीछे से देखेगा तो दिखता है कि कोई जा रहा है। अब ऐसे तो जाता था कोई गाड़ी में हमें डाल के ले जाए या झाड़ी में खींच सकता है, तो हमें खुद डर लगता था निकलते। हम लोग खुद यहाँ पे शाम को निकलने के बाद हम लोग खुद इस रास्ते जाना वो नहीं करते बीच में, बल्कि आज से काफी टाइम पहले, बल्कि मेरे फादर लोग मदर लोग यहाँ से मार्केट से आ रहे थे, उनके साथ वारदात भी हो गई थी क्योंकि झाड़ी बहुत ज्यादा थी और यहाँ पे कोई लाइट नहीं था, तो वारदात भी हो गई थी, किसी ने उनकी चेन वगैरह स्नैच कर ली थी। तो ये हमारे साथ तो ये घटना घट चुकी, तो हमें तो बहुत अच्छा लगा कि जब से ये 14 साल फर्स्ट टाइम ये ऐसा हुआ है कि जो इतना अच्छा साफ सुथरा हुआ है, इसका श्रेय मैं मतलब लोग तो कहते हैं कि आरडब्ल्यू ने बहुत अच्छा काम किया, हमें पता है कि हमने कैसे करवा के हमारा एनजीओ ने साथ दिया और बहुत अच्छा लगा हमें ये करवा देख के। अब लेडीज के लिए ये है कि मतलब हम लोग सेफली निकल सकते हैं, चाहे उस वाले गेट से इस वाले गेट से, देख के बड़ा अच्छा लगता है कि सुंदर लगता है हम लोग। थैंक यू। अभी मेरे साथ आरडब्ल्यू से कृष्णा जी हैं। कृष्णा जी, जैसे कि अभी वीना जी ने बताया, वो काफी पहले से रह रहे हैं, हालत बहुत खराब थी, अब ये अच्छा हो गया। अब मैं अगर मैं इसको कहूँ कि इसको
इसको ये ऐसे ही रखना है और इसको और बेहतर करना है, तो आप क्या चाहेंगे? चाहेंगे आपके साथ हेल्प करना। नहीं, परमार्थी के साथ आप हेल्प? बिल्कुल हेल्प करेंगे उनके साथ, उनका साथ देंगे, उनसे हर हालत जो भी उनको हमारी हेल्प चाहिएगी उस हिसाब से हम हेल्प करेंगे। और यहाँ पे अगर कुछ बेंच वेंच भी लग जाए, लोगों के बैठने की व्यवस्था हो जाए, वो तो और भी बेटर है। बुजुर्ग कोई बैठ लेगा घूमता घूमता तो बहुत बढ़िया होगा, क्योंकि हर इंसान ज्यादा नहीं चलता, बुजुर्ग तो वो थोड़ा बैठ ले तो थोड़ा आराम मिल जाता, फिर घूम लेता है। अगर मेरा ये जो हमारा ये इंटरव्यू है, अगर इस एरिया की काउंसलर सुन रही हो तो उनसे निवेदन करूंगा, उनके पास एक रिक्वेस्ट है ये लोगों की कि यहाँ पे अगर कुछ बेंच लग जाए तो सोने पे सुहागा होगा। और आपको क्या लगता है कि यहाँ बच्चों के लिए कितना सेफ हो गया? बच्चों के लिए अब तो काफी सेफ हो गया, पहले सेफ नहीं था, क्योंकि अब तो काफी सेफ हो गया, लाइटिंग का भी हो गया, साफ सफाई का भी हो गया, वैसे भी बच्चों के लिए काफी फैसिलिटी होगी, पार्क भी साफ सुथरा हो गया, पहले पार्क ही कंडर पड़ा था, तो इससे काफी सुधार हुआ है, बहुत बेटर हुआ है कि मतलब द्वारका में सबसे अच्छा एरिया लग रहा है मेरे को ये। चलिए, बहुत अच्छी बात है कि लोगों को अपना एरिया अच्छा लग रहा है और वो साथ में ये भी चाहते हैं कि वो इसको मेंटेन भी करना चाहते हैं, और उसमें भी वो कह रहे हैं कि हम सहयोग करेंगे और अपनी तरफ से भी, क्योंकि देखिए सफाई होने के बाद अगर जब तक रेजिडेंट्स वहां के आसपास लोगों का सहयोग नहीं होगा, उसको मेंटेन करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है इस सबके लिए। लिस्टर्स, अभी हमारे साथ इस RWA के कुछ बच्चे हैं जो कि यहां पर दीवारों पे पेंट कर रहे हैं। मैं एक बार सबसे बोलूंगा, ये हमारे साथ थोड़े बच्चे हैं, बाकी अलग अलग जगह कर रहे हैं। आप एक बार, आपका नाम क्या बेटा? शौर्य। पीयूष। नमन। इनिका। संचित। रोशनी। आयुषु। तो आज आप सब लोग, ये बच्चे यहाँ पर पेंटिंग कर रहे हो वॉल्स पे, एक साथ ही जवाब दे देना, कोई बात नहीं, कैसा लग रहा है? बहुत मजा आ रहा है, अच्छा लग रहा है, बहुत मजा आ रहा है, बहुत मजा आ रहा है। हाँ। आपने क्या बनाया? मैंने एक हाफ क्रिसेंट मून बनाया जिसपे दो कैट्स हैं, लाइक एक नाइट का सीन है जिसमे की दो कैट्स सिंपली बैठी हुई है, पूरा ब्लैक बैकग्राउंड, मतलब पूरा ब्लैक के साथ। अच्छा, आप लोगों का ये एरिया साफ हो गया है, आप लोगों को कैसा लगता है? बहुत अच्छा लगता है, मजा आता है, मजा आता है, यहाँ पर घूमने में भी अच्छा लगता है, क्योंकि पहले यहाँ पर मतलब इतनी घास थी, चलने में भी दिक्कत होती थी और बहुत गंदा पड़ा रहता है यहाँ पर, कूड़ा कूड़ा सब ऐसा। फिर पारा लाठी ने बहुत अच्छा बन चुका है ये, अब यहाँ पर हम वॉक करते हैं तो अच्छा लगता है, और पार्क भी अच्छा हो चुका है, क्लीन। अच्छा, एक बात बताओ सब लोग, अब आप आगे ऐसे ही इसको मेंटेन रखोगे? Yes. ड्राइंग करने को मिले तो करेंगे जरूर। ड्राइंग करने को मिलेगी तो करें। दीवारें बहुत लंबी, आराम से ड्राइंग कर सकते हो आप। हाँ, बहुत मजे से करेंगे। आओ बेटा, आप अभी आए हो, आपका नाम क्या है? तोशिता। तोशिता, तोशिता अच्छा लग रहा है, मजा आ रहा है? बहुत। अच्छा, आप कुछ कहना चाहोगे इस सफाई के लिए कुछ? क्लीनलीनेस हर किसी को पसंद है, जब यहाँ पे पूरा गार्बेज कूड़ा हर जगह फैला होता था, ऑब्वियसली बहुत लोगों को प्रॉब्लम होती थी, कुछ लोग ऑब्जेक्शन उठा देते, कुछ लोग नहीं उठाते थे। अभी पारा लाठी ने खुद आगे से इनिशिएटिव लिया है कि वो यहाँ पे अच्छे से क्लीन करे, विच इज अ वेरी गुड थिंग, एंड वी बीइंग अ सिटीजन ऑफ इंडिया शुड लाइक कीप इन माइंड दैट वी क्लीन आवर कंट्री, वी क्लीन एटलीस्ट आवर सराउंडिंग वेयर वी एक्चुअली हैव टू लिव। वी आर वेरी वेल अवेयर ऑफ द फैक्ट दैट इफ वी लिव इन एरिया विच इज कवर्ड विद गार्बेज, इट विल बी आवर ओन हार्म, बिकॉज देयर आर मेनी मेनी जर्म्स एंड बैक्टीरिया विच आर ग्रोइंग देयर, सो इट इज नॉट ऑब्वियसली गुड फॉर अस, एंड बींग not even a citizen, being a human being, we know that we can get it is very unhealthy to live in a surrounding where, which is covered with totally covered with garbage and everything like that, so we should clean it, and I really appreciate the work of Aralathi that they took the initiative, they took their time to clean our surroundings, and I'm really happy about it. Thank you Aralathi. Parmarthi ko keval 1 rupaye prati din ka aapka yogdan bhi द्वारका को इस तरह साफ सुथरा और सुंदर बनाए रखने में काफी सहायक सिद्ध होगा। धन्यवाद। तो लिसनर्स, अभी आपने सुना बच्चे क्या चाहते हैं, बच्चे भी सफाई के लिए कितना कंसर्न रखते हैं, और हम उम्मीद करते हैं कि इसी तरह से, जिस तरह से यहाँ सफाई हुई है, और भी जगह जहाँ जरूरत है वहाँ पर सफाई होगी, और ये बच्चे ये भी प्रॉमिस करते हैं, ये भी ये बच्चे वो करते हैं कि हम इसको यहाँ पर मेंटेन रखेंगे, और उम्मीद करता हूं कि आने वाले समय में जगह ऐसे ही साफ सुथरी और सुंदर रहेगी, ताकि यहां पर बच्चे, महिलाएं, बड़े बुजुर्ग अपने को महफूज समझ सकें और अपनी जिंदगी को एंजॉय कर सकें।
सो सुनते रहें रेडियो द्वारका, एक कदम कल की ओर।